बस भाई बहुत हो चुका, ये टैक्स 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 कौन ही देता, टैक्स हम सब देते हैं। हम पेट्रोल डलवाएं तब टैक्स, सुबह का चाय का पीते हैं हम तब टैक्स देते हैं, उसमें जो पत्ती डलती है उस पर टैक्स देते हैं, जब हम दूध खरीदते हैं पैकिंग में उस पर टैक्स देते हैं, भाई आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप उस पर टैक्स देते हैं, बिल अगर 6000 का बिल हो उसमें 2000 का टैक्स, स्विगी गैस में टैक्स, PTCL में टैक्स, किस पे टैक्स हम अदा नहीं करते, कौन टैक्स नहीं देता भाई। 98% तो टैक्स देते हैं लोग जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, आप देखते नहीं, आप गौर कीजिए भाई। फिर भी हजाम ने खाली क्यों क्यों, मुझे ये आप बताएं, फिर भी खजाने खाली, ये पैसा कहाँ जाता है। बस भाई अब आपको बताना पड़ेगा, हुक्मरानों को बताना पड़ेगा, आप इसकी वेबसाइट बनाएं जो मर्जी करें, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। आवाम भी जानना चाहती है, आवाम भी जानना चाहती है कि हमारे टैक्सों का पैसा कहाँ जाता है, और फिर हम कर्जई हैं, खजाने खाली हैं, कुछ भी नहीं, क्यों, ये क्यों का जवाब भी आपने देना है, और पैसा कहाँ जाता है ये आप भी हमें बताएं। हम मालिक हैं पाकिस्तान के, हमारा हक क्या है कि हम जाने कि हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है। जी हाँ बताएं कि पैदा होने वाले बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक हम टैक्स करते हैं, टैक्स पे करते हैं, हम उस मुल्क के शहरी हैं भाई। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, हमने हर मुश्किल वक्त झेला, मुझे बताएं 70 साल बाद भी हम ऐसे क्यों हैं। कुछ अरसा पहले 70 साल पहले 50 साल पहले हम मिट्टी के घड़े लेके पानी भरने जाते थे, आज फिल्टर प्लांट पे हम बोतल लेके पानी भरने जाते हैं, क्या ये तरक्की है। सर्दियों में गैस नहीं आती, गर्मी में बिजली नहीं आती, क्या ये तरक्की है। किस पे हमने काम किया, क्या बेहतरी लाए आप लोग। हॉस्पिटल में जाएँ तो सहूलियात नहीं आप लोगों के लिए, तलीम का निज़ाम देख लें, तलीम पर कारोबार हो रहा है, सेहत पर कारोबार हो रहा है, एक स्कूल वाले ने कई स्कूल बना लिए, एक हॉस्पिटल वाले कई हॉस्पिटल बना लिए, हमें क्या मिला, आम लोगों को क्या मिला। मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ 98% की, मैं तो ये कह रहा हूँ जो सहूलियात 98% के पास नहीं है वो 2% के पास है, वो सहूलियात जो 2% को हैं, जो उनके बच्चों को हैं, जो उनके पास यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो उनके पास सहूलियात सेहत की हैं, जो सफाई की हैं, वो 98 को भी चाहिए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ALP ने तो हमेशा जंग लड़ी है आम लोगों की, वो लड़ते रहेंगे आम लोगों के हकूक की, मगर हमारा हक क्या है कि हम मालिक नहीं पाकिस्तान के। साबुन टूथब्रश कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम टैक्स पे नहीं करते, हम करते हैं टैक्स पे, हमें कुछ नहीं मिल रहा, मिल रहा तो बता दें, थाने में जाते हैं क्या हो रहा है आपके सामने में है, हॉस्पिटल में जाते हैं क्या हो रहा है आपके सामने है, मुझे बताएं। आप सफ़र करते हैं तो उसकी सहूलियात भी आपके सामने है, महंगाई महंगाई महंगाई, वो पैसा टैक्सों का कहाँ है। पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का आम आदमी, आम लोग ये जानना चाहते हैं, आपने हमें बताना है, क्या पाकिस्तानी आप मेरे साथ हैं, क्या ये जानने का हमारा हक नहीं। ALP जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।